हेलो एवरीवन, क्लास बुक करंट अफेयर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? इसका सही आंसर है सी, चीन। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली को पश्चिमी थिएटर कमांड की वायु सेना और सेना के तत्वों के साथ विकसित किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा वह रेखा है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। भारत और चीन के बीच प्रमुख असहमति LAC के पश्चिमी हिस्से पर है। भारत चीन LAC को 3 भागों में बांटा गया है, अरुणाचल और सिक्किम सीमा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सीमा और लद्दाख सीमा। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। आज का दूसरा प्रश्न है, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? इसका सही आंसर है डी, चौथा। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का चौथा रैंक है, वहीं महिला हॉकी टीम का स्थान है 9वां। FIH विश्व रैंकिंग पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा सदस्य देशों की टीमों को उनके खेल परिणामों के आधार पर रैंक किया जाता है। यह रैंकिंग अक्टूबर 2003 में शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मैदानी हॉकी और इंडोर मैदानी हॉकी को संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय है स्कॉटलैंड और इसके अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के SDG इंडियन इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष रैंक बरकरार रखा है? इसका सही आंसर है ए, केरल। सरकार के थिंक टैंक द्वारा गुरुवार को पारित एक रिपोर्ट के अनुसार केरल ने वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। सभी राज्यों में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। SDG इंडिया इंडेक्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, आर्थिक विकास, संस्थानों, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सहित विभिन्न मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की? इसका सही आंसर है सी, 1972। लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और 2021 में इसकी मेजबानी पाकिस्तान द्वारा की गई। आज का पांचवा प्रश्न है, जून 2021 में निम्नलिखित में से किस IT फर्म ने अपने इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में ₹3,00,000 करोड़ का आंकड़ा छुआ? इसका सही आंसर है बी, विप्रो। IT कंपनी विप्रो ने 3 जून 2021 को अपने इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में ₹3,00,000 करोड़ का आंकड़ा छुआ। इसके साथ इंफोसिस और TCS के बाद विप्रो यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है। 3 जून 2021 को कंपनी का शेयर ₹550 प्रति शेयर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसका मार्केट कैप बढ़कर 3.01 लाख करोड़ रुपए हो गया। विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1945 में एक व्यवसायी के पुत्र अजीम प्रेमजी द्वारा की गई थी। आज का छठा प्रश्न है,
जून 2021 में लेह से योन टैब योजना 2021 को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है सी, आर के माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने 4 जून 2021 को लेह से योन टैब योजना 2021 की शुरुआत की। योन टैब योजना डिजिटल सीखने को प्रोत्साहित करने, कनेक्टेड और अनकनेक्टेड के बीच डिजिटल डिवाइस को पाटने और कोविड महामारी व्यवधानों को कम करने के लिए तैयार की गई है। योन टैब योजना के पहले चरण में लेह और कारगिल में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एजुकेशनल टैब सौंपे गए हैं। टैब में PDF प्रारूप में 35 पुस्तकों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप है। 15 करोड़ रुपए की इस योजना से सरकारी स्कूलों के 6वीं और 12वीं कक्षा के कुल 12,300 छात्र लाभान्वित होंगे। आज का 7वां प्रश्न है, देश में स्कूलों के लिए लर्निंग सॉल्यूशन की पेशकश करने के लिए गूगल निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है बी, बायजूस। बायजू और गूगल देश के लिए लर्निंग सॉल्यूशन पेश करने के लिए एक साथ आए हैं। बायजू गूगल टाइप स्कूल में प्रभावी शिक्षण में सहायता के लिए विद्यार्था प्लेटफॉर्म पर शिक्षा के लिए गूगल वर्कस्पेस की सादगी, लचीलापन और सुरक्षा और बायजू की सामग्री शिक्षा विज्ञान को एक साथ लाता है। यह मंच भाग लेने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। बायजू एक भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। बायजू दुनिया की सबसे मूल्यवान शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है। बात करते हैं गूगल की। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर है माउंट व्यू, कैलिफोर्निया और इसके CEO है सुंदर पिचाई। आज का 8वां प्रश्न है, महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए केरल के बजट में कितने रुपए के दूसरे कोविड पैकेज की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है डी, 20,000 करोड़। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए केरल के बजट में 20,000 करोड़ रुपए के दूसरे कोविड पैकेज की घोषणा की गई है। 20,000 करोड़ के पैकेज में से 2,800 करोड़ रुपए स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए खर्च किए जाएंगे, जबकि 8,900 करोड़ रुपए सीधे उन लोगों को वितरित किए जाएंगे जिनकी आजीविका महामारी से प्रभावित हुई है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराय विजयन, केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। आज का 9वां प्रश्न है, जून 2021 में जारी टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 में सुशांत राजपूत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर है ए, 1। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रतिष्ठित सूची में विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम आयु के पुरुष हैं जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। एक खगोल शास्त्री और खगोल भौतिक विज्ञान की मानसिकता वाले एक दुर्लभ हस्ती सुशांत सिंह राजपूत इस वर्ष सूची में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर है विजय देवरकोंडा, तीसरे नंबर पर है आदित्य राय कपूर, चौथे नंबर पर है विक्की कौशल और पांचवे नंबर पर है दलकीर सलमान। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, केरल मंत्रिमंडल ने 9 जून से केरल के तटों पर कितने दिनों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है डी, 52। केरल मंत्रिमंडल ने 9 जून मध्य रात्रि से शुरू होकर 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक केरल के तटों पर 52 दिनों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन की बुधवार को सेक्टर हितधारकों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने पारंपरिक मछुआरों की मांग को देखते हुए पहली बार 1994 से लागू प्रतिबंध को 45 दिनों से बढ़ाकर पिछले साल 52 दिन कर दिया था। स्वतंत्र मत्स्य थोजीलाली फेडरेशन और मत्स्य थोजीलाली एक्केवेदी ने समुद्री मछली संसाधनों के संरक्षण के उपाय के रूप में मानसून के दौरान मछली पकड़ने के संचालन पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद तक पहुँच सके। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले
पहुंच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।